बिहार के पटना में खाद्य तेल मंडी में उबाल आ गया है। उम्मीद थी कि त्योहारों की मांग पूरी करने के बाद भाव नीचे आएंगे, लेकिन इसके उलट सरसों तेल, सोया रिफाइंड और पाम रिफाइंड की कीमतें बढ़ गई हैं। सर्वाधिक तेजी पाम रिफाइंड में आई है। इसकी कीमत में 15 रुपए लीटर की तेजी देखने को मिली है। अन्य खाद्य तेल 10 रुपए लीटर महंगे हुए हैं। इससे घरेलू बजट पर खासा असर पड़ेगा। वहीं सरसों तेल का भाव 150 से 175 रुपए लीटर था, अब बढ़कर 160 रुपए से 185 रुपए लीटर हो गया है। वहीं सोया रिफाइंड का भाव 140 से 150 रुपए लीटर था, जो अब बढ़कर 150 से 160 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं पाम रिफाइंड का भाव सबसे ज्यादा बढ़ा है। इसका भाव 105 रुपए लीटर था, जो अब बढ़कर 120 रुपए लीटर पहुंच गया है और इसकी कीमत 15 रुपए प्रति लीटर बढ़ी है। उधर बिहार खुदरा विक्रेता महासंघ के महासचिव का कहना है कि बेमौसम बारिश से तिलहन फसलों को नुकसान हुआ है। सरसों सोयाबीन की पैदावार कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। देश में तिलहन फसलों की पैदावार कम होने की खबर से विदेशी बाजारों में खाद्य तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। खाद्य तेलों के मामले में विदेशी बाजारों पर भी भारत 60 से 65% तक निर्भर करता है। साथ ही स्टॉक सीमा हटाने का भी बाजार पर असर है। खाद्य तेलों में तेजी से औसतन हर घर का बजट 100 से 150 रुपए प्रति माह बढ़ जाएगा। इससे लोगों को परेशानी होगी। आगे खाद्य तेलों में उम्मीद की जा रही है कुछ तेजी के आसार बने रह सकते हैं। बाजार जानकर मानकर चल रहे हैं कि अभी कुछ समय तक खाद्य तेलों में गिरावट नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।